अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। एग्जांपल है 4.4, चैप्टर 4 चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर, वो कहता है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी करती है यूनिफॉर्म चार्ज लाइन, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लाइन, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी गई है। वो कहता है इसको सराउंड किया गया है रबर इंसुलेशन से, और जिसका रेडियस ए है, यानी बाहर रबर इंसुलेशन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि अभी सिलेंडरियन गॉशियन सरफेस बनाएंगे रेडियस एस की, और उसके पास लेंथ एल ले लेंगे उसकी। तो क्यू डी डॉट डी ए बराबर आ जाएगा क्यू फ्री के, और क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लॉन चार्ज डेंसिटी दी हुई है। और एरिया 2 पाई एस इंटू एल आ जाएगा। यहाँ से आपके पास एल एल से कट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एस। एस की डायरेक्शन हम कहेंगे, डी की डायरेक्शन हम कहेंगे जिस तरफ एस की डायरेक्शन होगी, तो एस यूनिट वेक्टर दे देंगे। अब हम कहेंगे ये फार्मूला दोनों जगहों पे होल्ड कर रहा है, इंसुलेशन के अंदर भी और उसके बाहर भी। अब जब हम इंसुलेशन से बाहर हो जाएंगे, एस ग्रेटर देन ए हो जाएगा जब, यानी हम उससे बाहर निकल गए, तो पी जीरो हो गया। तो ई और डी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डी बराबर आता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के, तो डी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई के। तो ई निकाला जा सकता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। अब आपके पास डी की वैल्यू तो मौजूद है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, जो कि हम पहले भी इसे ड्राइव करके आ चुके हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, वो भी इतनी ही आती है। तो ये भी एक मेथड है इस्तेमाल हल करने का। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।